पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11th का, चूँकि तीन मॉडल पेपर हम लोग कंप्लीट आपको दे चुके हैं और ये चौथा मॉडल पेपर है जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और चौथा मॉडल पेपर का भी एक लेक्चर जा चुका है। मतलब अगर सही से तैयारी किया जाए तो तीन मॉडल पेपर में, एक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन था तो तीन मॉडल पेपर में उस हिसाब से 120 क्वेश्चन हो जाता है, और दूसरा इस चौथे मॉडल पेपर में हम लोग 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। 8 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में 30 से 40 मिनट में अगर डिस्कस किया गया है तो सोचिए केवल 8 नहीं, उससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और आज भी हम लोग वही काम करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो हम लोग आज चलते हैं मॉडल पेपर 4 का लेक्चर 2 करते हैं सॉल्व, और देखिए क्या क्या मॉडल पेपर 4 में लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, और जो बच्चे क्लास 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर बता दूँ आपको कि जो बच्चे क्लास 11th में अब एग्ज़ाम देंगे, जितना मॉडल पेपर कॉमर्स वर्ल्ड जारी कर रहा है आप एग्ज़ाम दे के आओगे, ये मॉडल पेपर आपके पास तो रहेगा ही, मिला लेना, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। और अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे और एग्ज़ाम आपका ख़राब जाएगा, इसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब जाके टीचर और आपके पेरेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में कलर नहीं ना करेंगे कि 3 का बी और 4 का डी, वो तो आपकी ड्यूटी है। अगर 160 क्वेश्चन भी 6 महीना में नहीं पढ़ पाए तो कोई मतलब नहीं, इसलिए कुछ नहीं करना, खाली शांत होकर बैठना है। तो इससे रिलेटेड कितना, अब हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर सकता है, तो हम समझेंगे तो सारा चेंज किया हुआ क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो करेक्ट है। तो कल के क्लास में भी हम आपको बताए थे, रियल इक्वेशन होता है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आपको एक समझाए भी थे कि किसी बिजनेस का एसेट्स कहाँ से आएगा। कोई भी संपत्ति, आपके घर में भी संपत्ति आती है तो कहाँ से आती है, या तो अपना पैसा लगता है, जो अपना पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, पूंजी, या तो लोन लेके लाते हैं। बताइए आपके घर में अगर फ्रिज खरीदा गया है तो दो ही जगह से आता होगा, या तो खुद का पैसा लगा होगा या तो कर्ज होगा। तो फ्रिज में तो सबका अपना पैसा लगा रहता है, लेकिन अगर कार खरीदा गया है, ट्रक खरीदा गया है, तो ट्रक में कुछ अपना पैसा लगा होगा और कुछ कर्ज होगा। तो जितनी संपत्ति आपके घर में होगी, यानी जितना एसेट्स होगा, वो दो ही चीज़ से बनेगा, या तो अपना पूंजी से या तो लोन से, और नहीं तो तीसरा कोई तरीका नहीं संपत्ति लाने का। संपत्ति दो ही तरीके से आ सकता है, या तो खुद का पैसा लगाइए या तो लोन लीजिए। तो सही इक्वेशन है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देखिए तो ढूंढिए कहीं है, या अगर इसी से आप चाहेंगे तो एक और निकल सकता है। वैसे देखिए यहाँ पर एक और निकल सकता है, बताओ अगर हम कैपिटल निकालेंगे तो लायबिलिटी इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो सकता है एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल हो सकता है ना। और एक और होता है लायबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल, तीन इक्वेशन बन सकता है इससे। तो देखते हैं तीनों में कौन सा है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, ये तो गलत हो जाएगा, सही कौन सा होना चाहिए, एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल। देखिए ये बड़ा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, एक साइड एसेट और लायबिलिटी को माइनस करेंगे और एक साइड कैपिटल, ये समझ में आ रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा। अच्छा क्या बता रही है, इसको आप समझ पा रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल, बताते हैं हम एग्जांपल समझाते हैं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आया और कार से उतरा तुम्हारा दोस्त, तुम बोला कितना में खरीदा, बोला नहीं बताएंगे कितना में खरीदे, लेकिन कुछ जानकारी देंगे, ध्यान देना, कार का कीमत नहीं बता रहा कितना का है, इसका मतलब क्या नहीं बता रहा है, या मान लो कार का कीमत बता दिया कि 10 लाख का कार है और 7 लाख का लोन है, 10 लाख का कार है और 7 लाख का क्या है, बताओ 10 लाख है कार का और 7 लाख लायबिलिटी, लोन का मतलब लायबिलिटी, तो आप क्या जानते हो कि उसका अपना पैसा कितना लगा होगा। जब 10 लाख का प्रॉपर्टी उसमें 7 लाख लोन है तो अपना तो 3 लाख लगा हो, तब पूंजी कैसे निकलता है बताओ, पूंजी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कि जो एसेट्स है जितना संपत्ति आपके पास आया उसमें कर्ज माइनस कर देंगे, बाकी आपका पैसा लगा होगा। अगर ये मेरा प्रॉपर्टी है 1,40,000 का बोर्ड है, इसमें अगर हमारा 1 लाख लोन है तो 40,000 अपना लगा होगा, कोई भी संपत्ति में लोन को माइनस करेंगे तो अपना पूंजी निकल जाएगा। तो बोलता है एसेट्स में लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, यानी संपत्ति जो बना वो दो तरीके से बना, पूंजी से और लोन से, तो लोन माइनस कर देंगे तो पूंजी से निकल जाएगा, कि पूंजी कितना लगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन में, IFRS क्या है, इंटरनेशनल, देखो इसमें एक और क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान देना इधर, अभी हम एक और बता ही देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में लिख देगा कि एसेट्स किसी बिजनेस का एसेट्स दिया है 10 लाख, कितना दिया है 10 लाख, और कैपिटल दिया हुआ उसमें 4 लाख, कैपिटल दिया है 4 लाख, पूछ रहा है लायबिलिटी बताओ कितना, निकाल लोगे। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है
कि एसेट्स और कैपिटल का वैल्यू दिया हुआ है और निकालने क्या बोल रहा है लायबिलिटी। एसेट्स और कैपिटल का वैल्यू दिया है निकालने क्या बोल रहा है लायबिलिटी। निकल सकता है फॉर्मूला, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है देखो, इससे बन जाएगा लायबिलिटी इक्वल टू, इससे बन जाएगा लायबिलिटी को इधर भेज दो और कैपिटल को इधर भेज दो, तो लायबिलिटी इक्वल टू का एसेट माइनस कैपिटल। तो एसेट हमारा कितना है 10 लाख का और कैपिटल कितना का 4, तो 10 लाख में 4 लाख घटेगा तो कितना बचेगा 6 लाख, बनाया जा सकता है। तो ऐसा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दोबारा हम इसको नहीं बताएंगे, एक बार क्लियर तो सारा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर में कि फुल फॉर्म ऑफ IFRS क्या है। IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये है फुल फॉर्म। लेकिन होता क्या है IFRS? ये तो फुल फॉर्म हो गया इसका। तो याद रखिएगा पहले क्या होता था पुराने समय में, कि भारत में जो लोग अकाउंटिंग का कोर्स करते थे, जैसे आप भारत में पढ़ रहे हैं, भारत में CA कीजिएगा, यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिएगा, तो के वाला भारत की कंपनी में हिसाब किताब लिख सकते थे पहले। अरे भारत का नियम पढ़े हो, भारत का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हो, भारत में CA बने हो, तो भारत का नियम जानोगे। अगर अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करनी हो तो आपको पहले दिक्कत होता था, क्योंकि आप कहाँ का नियम पढ़ के आए हो, भारत का। अमेरिका का नियम तो पढ़े नहीं, तो अमेरिका की कंपनी में कैसे करेंगे, अमेरिका की कंपनी में अमेरिका का नियम लगेगा। तो पहले चार्टर्ड को और बाकी अकाउंटेंट को बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि भारत का अपना नियम है, जापान का अपना नियम है, चाइना का अपना नियम है, अमेरिका का अपना नियम, सबका बिजनेस करने का अपना अपना नियम है। अब दुनिया में सारे देशों को दिक्कत होने लगा, सारे देश के वर्ग मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिक्कत होने लगा, सारे कंपनियों को दिक्कत होने लगा। अब सोचिए पेप्सी एक कंपनी है, 10 देशों में बिजनेस करती है, तो 10 देश में हिसाब किताब अलग अलग नियम से लिखा जाएगा, अमेरिका में अमेरिका के नियम से, भारत में भारत के नियम से, चाइना में चाइना के नियम से। क्या लगता है वो जब ओवरऑल प्रॉफिट निकालेगा पूरा संपूर्ण, कि हमको पूरे विश्व से कितना प्रॉफिट मिला, आसानी से निकाल पाएगा? हर जगह दिक्कत है, क्योंकि यहाँ अपना नियम है, यहाँ का नियम कुछ अलग है, दूसरे देश का कोई नियम अलग है, तीसरे देश में कोई नियम अलग है, तो उसको मिलाने में, खाता मिलाने में दिक्कत होता था। तो दुनिया के अच्छे अच्छे देश जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं और डेवलप कंट्री हैं, वो लोग दिमाग लगाए कि क्यों ना हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो पूरी दुनिया में एक हो, हर देश उसको लागू करे, और वो सिस्टम का नाम क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये वैसी कंपनियों के लिए लागू होता है जो फॉरेन ट्रेड करती है, जो विदेश में व्यापार करती है। यानी अगर आपकी कंपनी विदेश में व्यापार करती है तो आपके लिए IFRS नेसेसरी हो जाएगा, और अगर कोई बिजनेस केवल भारत के अंदर बिजनेस करता है तो उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बात समझ गए? अगर आपका बिजनेस केवल भारत में बिजनेस करता है तो आपको IFRS लगाने की जरूरत नहीं है, ये नियम आपके ऊपर नहीं लागू होगा। केवल भारत के अंदर बिजनेस करते हैं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएंगे, लेकिन भारत के बाहर अगर आपका बिजनेस चला जाता है तब आप क्या लगाएंगे, IFRS। याद रहेगा? तो IFRS किस कौन से बिजनेस पर लगता है, जो फॉरेन ट्रेड करता है, जो विदेशी व्यापार करता है, उसके ऊपर लगता है। कोई दिक्कत है कि पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग सिस्टम, वन अकाउंटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में एक ही अकाउंटिंग सिस्टम है, वो क्या है, IFRS। कोई दिक्कत किसी को? फुल फॉर्म समझ गए क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है IFRS का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर सब यहाँ किया हुआ है, लेकिन समझते जाना है आपको, आंसर तो सब किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन मीन्स। अब बताइए, बहुत लोग समझते हैं लेन देन किसको बोलते हैं, तो लेन देन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द वैल्यू ऑफ मनी। बोलते हैं पैसे के साथ अगर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है तब ना लेन देन होगा। जैसे आप मेरे पास सर्विसेज खरीद रहे हो तो आप हमको पैसा दोगे तब लेन देन होगा, फ्री में सर्विस लोगे तो लेन देन नहीं होगा। तो लेन देन के लिए क्या चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तु और सेवाओं का अदला बदली होना चाहिए, लेकिन किसके साथ। अच्छा, पुराने ज़माने में होता था बार्टर सिस्टम, जानते हो, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक सामान लेते थे दूसरा सामान देते थे। बताओ सामान ले रहे हैं दूसरा दे रहे हैं, क्या लगता है वो ट्रांजेक्शन माना जाएगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, अकाउंटिंग तब माना जाएगा जब उसमें मनी होगा, मनी इन्वॉल्व होगा, मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अगर उसका मॉनेटरी वैल्यू है, पहले मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता था, अभी के समय बताओ जी, पुराना कार हम दिए, मेरे पास कार था मारुति सुजुकी का, वो गाड़ी पुराना दे दिए और नया गाड़ी सुजुकी का ले रही है, क्या ये ट्रांजेक्शन माना जाएगा? जी हाँ माना जाएगा, पैसा का वैल्यू नहीं है। अरे पुराना कार दिए तो भैया 1.5 लाख तो देगा, जो रीसेल वैल्यू अब दे, अगर 1.5 लाख रीसेल वैल्यू देगा तो 1.5 लाख को क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन है, लेकिन पुराने ज़माने में नहीं होता था कि मेरे यहाँ चावल है, इसके यहाँ आटा है, तो हम आटा ले लिए और चावल दे दिए। अब पहले लोग पैसा जानता ही नहीं था, मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पाता था। तो याद रखिएगा,
कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना विद द हेल्प ऑफ मनी, पैसे के जरिए अगर आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन होता था। पुराने ज़माने में ये भी होता था कि उसका घर बन रहा है तो 3 दिन हम खट लिए, काम कर दिए उसके यहाँ, और जब मेरा घर बनेगा तो 3 दिन वो काम करेगा। क्या लगता है ये ट्रांजैक्शन होगा? नहीं, यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होता था। लेकिन आज अगर आपका घर बन रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है तो ट्रांजैक्शन होगा ना, पैसे का लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना, बोलता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी, पैसे के द्वारा अगर गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जा रहा है तो वो इवेंट क्या कहलाता है, वो काम क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन। अब एक बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या अंतर है? इवेंट बहुत घटना पूछता है कि घटना क्या होता है, अब जो नहीं पढ़ा वो लिख देगा एक्सीडेंट होता है उसको घटना बोलते हैं। इवेंट का मतलब घटना, याद रखिएगा। इवेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, सिंगल पार्टी रहता है। जैसे साल के लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, साल के लास्ट में जो स्टॉक बच जाता है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट। वो ट्रांजैक्शन ही कहें, क्योंकि अब बताओ जी 5-50 हज़ार का स्टॉक मेरे पास बच गया तो दो पार्टी कहाँ है? कोई माल खरीद रहे हैं तो दो पार्टी, माल बेच रहे हैं दो पार्टी, रेंट दे रहे हैं दो पार्टी है। लेकिन स्टॉक बच गया उसमें दो पार्टी कहाँ से मिलेगा? इसलिए बोला जाता है कि अगर साल के लास्ट में कोई स्टॉक बच जाता है तो बचा हुआ स्टॉक क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। लेकिन 31 मार्च को स्टॉक बच गया तो इवेंट हो गया, और 31 मार्च को अगर हमने रेंट पे कर दिया तो, 31 मार्च को अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है ना, भले अंतिम में कर रहे हैं तो उसको आप ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, उसको इवेंट भी बोल सकते हैं। यानी 31 मार्च को अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। बात समझ गए? और अगर केवल स्टॉक मेरा बच रहा है तो वो मेरा क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। याद रहेगा सबको। चलते हैं आगे। अब उड़ा है कि किसी भी लेजर में, लेजर आप जानते हो ना, लेजर को जानते हो ना, किसी भी लेजर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है? तो हम लोग लेजर का फॉर्मेट जानते हैं ना, ऐसे ना लेजर बनता है, बस बेसिक बता देते हैं। टी टाइप होता है, इतना अगर नहीं भी करोगे ना तो टी टाइप होता है, लेजर टी टाइप का होता है। इतना अगर आप नहीं करते हो तो टी टाइप का लेजर होता है। चलिए बना के दिखा देते हैं कैसा टी टाइप का होता है। लेजर ऐसे बनता है, देखो ऐसे टी टाइप का, और इधर होता है डेबिट पोर्शन और इधर क्या होता है? क्रेडिट पोर्शन। बाकी नाम पता भरते रहना, बात लेजर तो बनाना नहीं। तो बोलता है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लेफ्ट साइड। और इधर क्या है? तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो लेफ्ट साइड डेबिट होता है। पूछ देगा यही क्वेश्चन पूछेगा, और लेफ्ट का जगह लिख देगा राइट साइड। अब कोई बच्चा रट्टा मारा है ना तो ये इतना ही आता है कि लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, लेकिन दिमाग लगाएगा ना तो ये भी बता देगा कि राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये बेसिक आपको समझना है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? डेबिट, और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट। कोई दिक्कत है? किसी भी लेजर के लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्या होता है? क्रेडिट। इधर क्या लिखा जाता है? इधर जो भी लेन देन लिखा जाता है टू करके लिखा जाता है, और इधर क्या लिखा जाता है? बाय। यहाँ तक समझ गए? पहला चीज़ समझ गए कि लेजर के डेबिट लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। लेजर के डेबिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में टू करके लिखा जाता है आइटम्स को, जो भी आइटम आएगा टू टू करके लिखेंगे, और इधर जिसको भी लिखेंगे बाई करके। एक और चीज़ पूछा जाएगा, लेजर का फॉर्मेट किस शेप में होता है? पूछ दिया है लेजर का फॉर्मेट। अभी तो टी दिख रहा है तुम लोगों को, तो याद रखना लेजर का जो फॉर्मेट होता है ना वो टी शेप में होता है, टी प्रारूप में होता है। देखो फॉर्मेट है टी टाइप का दिख रहा है, टी शेप का मतलब टी आकार का। देखो टी दिख रहा है ना आप लोगों को, कि एक ऊपर से खींचा है नीचे, नीचे का मतलब समझते हो, ये पूरा पोर्शन का कौन सा पोर्शन है? डेबिट। और ये पूरा किसका है? क्रेडिट। यानी यहाँ से इधर पूरा क्रेडिट, यहाँ से उधर पूरा क्या होगा? डेबिट। किसी को कोई दिक्कत है? और लेजर का तीन पहचान होता है, और भी बता देते हैं। यहाँ तक समझ गए? सबसे पहला लेजर के लेफ्ट साइड में कौन सा चीज़ होता है? डेबिट। राइट साइड में क्रेडिट। लेजर में इधर डेबिट साइड टू लिखा जाता है, इधर बाई करके लिखा जाता है। लेजर का फॉर्मेट टी टाइप का होता है। और चौथा बात कि लेजर का तीन पहचान, लेजर का तीन पहचान कैसे पहचानेंगे कि कोई लेजर है? तो उसके नाम के बगल में अकाउंट लगा रहता है। जैसे अगर ये कैश बना रहे हैं तो लिखेंगे कैश अकाउंट, उसमें इधर डेबिट और इधर क्रेडिट होता है, और इधर टू और इधर बाई का इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत किसी को? और लेजर क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो लेन देन होते हैं उसको क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग खातों में। यानी लेजर जर्नल से थोड़ा अगला स्टेप है, जर्नल के बाद का स्टेप है। बिना जर्नल बनाए लेजर बनाना थोड़ा दिक्कत करता है, बन सकता है, पॉसिबल है, पर थोड़ा दिक्कत करता है। और जब लेजर बनाते हैं तो हम एक खाते से संबंधित लेन देनों को एक ही जगह पर लिखते हैं। जैसे अगर कैश का लेजर बनाते हैं तो कैश का सारा लेन देन एक जगह लिखेंगे, राम का लेजर बनाएंगे तो राम का सारा लेन देन एक जगह लिखेंगे, श्याम का लेजर बनाएंगे तो श्याम का सारा लेन देन
एक जगह लिखेंगे, महेश का लेजर बनाएंगे तो महेश का सारा लेन देन एक जगह लिखेंगे। बात समझ गए लेजर का, लेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेजर में कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 8। ऐसा नहीं कि एक चीज़ समझाया जा रहा है उससे रिलेटेड सब समझाया जा रहा है। अगर वो चीज़ समझ गए तो ओवरऑल आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा मिलेगा, कोई क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं। अब बोलता है द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? तो प्रश्न में दो ही चीज़ होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो गिवर होगा, जिसको हमको देना होगा पैसा, वो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट वही ना होगा। तो बताओ इसमें देने वाला कौन है, कैश इन हैंड तो मेरे पास पैसा रहता है, अमाउंट रिसीवेबल लेना है, बिल्स रिसीवेबल लेना है, देना किसको है, जिसको पैसा देना होगा वही ना क्रेडिट होगा, क्योंकि नियम क्या बताया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये सब डेबिट होगा क्योंकि रिसीवर है ना, देखो तो ये सब डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट पेबल। कहीं कोई दिक्कत है, अकाउंट पेबल पूछ देगा, एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है, अकाउंट पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, दायित्व होता है बिजनेस के लिए, और ये दोनों क्या होता है, एसेट्स होता है। अच्छा कौन सा एसेट्स होता है, ये तीनों एसेट्स होता है, याद रखना, कैश एसेट होता है, अकाउंट अमाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, और तीनों कौन सा एसेट होता है, करेंट एसेट्स होता है, चालू संपत्ति होता है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि बिल्स रिसीवेबल कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवेन एट चैरिटी। अगर आप माल को दान में दे देते हैं तो दान दिए हुए माल को कहाँ पर लिखेंगे, कौन सा जगह पर लिखना चाहिए? तो दान दिए हुए माल को सेल्स में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे, नो अकाउंट में लिखेंगे, या परचेज में? तो माल ना दान दे रहे हैं, तो माल अगर हम दान में देते हैं तो कहाँ लिखेंगे, परचेज में। और अगर कैश दान में दे देते तो पंडित जी को 51 रुपया दे दिया, तो यहाँ नहीं लिखते, तब कैश में लिखते हैं। कैश अगर दान देंगे तो क्या घटेगा, कैश दान देंगे तो क्या घटेगा, कैश, तो कैश में लिखेंगे। अच्छा माल हम दान में दे दिए, जूता बेचते थे, एक देखे बाबा आए, बहुत अच्छा लगा कि उनसे मिलके बातचीत करके, हम इम्प्रेस्ड हो गए उनसे, और देखे खाली पैर हैं तो एक जूता दे दिए, तो उससे मेरा क्या घट जाएगा, कैश घटेगा या स्टॉक घटेगा? स्टॉक का मतलब गुड्स, और गुड्स का मतलब परचेज, तो हम लोग परचेज में माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? माल अगर दान में देंगे तो परचेज में माइनस करेंगे, कैश अगर दान में देंगे तो कैश में माइनस करेंगे, जो दान में देंगे उसमें माइनस करेंगे। तो याद रहेगा, अब परचेज कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट बैलेंस। परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट। कोई दिक्कत किसी को? परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट। अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और गुड्स अगर बेच रहे हैं स्टॉक घटेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो दान में दिए हुए माल को किस खाते में लिखा जाता है, सारे बच्चे बताओ किस खाते में, परचेज। 15 नंबर क्वेश्चन, पेड चार्जेस फॉर कैरिंग फर्नीचर, फर्नीचर लाए ढोके, कोई फर्नीचर खरीदे होंगे ढोके लाए मार्केट से, तो उस पर हम भाड़ा चार्ज किए, तो बोलता है कैश पेड कैरेज चार्जेस फॉर कैरिंग फर्नीचर विच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर हम फर्नीचर खरीदे और फर्नीचर को ढो के लाए और उस पर भाड़ा दिए तो कौन सा खाता डेबिट करेंगे, भाड़ा फर्नीचर के ऊपर भाड़ा जो दिए उसको कौन सा खाता डेबिट करेंगे, तो कैरेज ऑन फर्नीचर ना डेबिट करेंगे, कैरेज आउटवर्ड नहीं। कैरेज आउटवर्ड किस में लिखते हैं बताओ, जब हम माल को बेचने के समय भाड़ा देते हैं, जैसे हम बेच दिए माल और कोई कस्टमर बोला भैया छोड़े उड़े तो नहीं है, तो घर पहुंचा दीजिए। अब जब छोड़बे नहीं किए 1 रुपया भी, तो कम से कम घर पर पहुंचा दीजिए सामान, तो घर पहुंचाने के चक्कर में भाड़ा लगा कि नहीं, तो जो माल पहुंचाने यानी बेचने के बाद भाड़ा लगता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, माल बेचने के बाद, फर्नीचर नहीं। अगर माल खरीदने के बाद भाड़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, लेकिन ये माल नहीं है फर्नीचर है, और फर्नीचर जब हम खरीदते हैं और उसके बदले में भाड़ा देते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, कैरेज ऑन फर्नीचर। अच्छा नया फर्नीचर था नहीं, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मूव कर देना तो दिक्कत में फंस जाओगे। यहाँ बोला था कैरिंग ऑन फर्नीचर, हमको ये नहीं बताया कि फर्नीचर खरीदा है कि पता नहीं, हो सकता है कि घर में था, घर से उठा के बिजनेस में लेता है, ऐसा भी तो कर सकता है। तो किसी फर्नीचर के ढोने के बाद एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भाड़ा दिया, तो इसको हम लिखें कैरेज ऑन फर्नीचर में। अगर ऐसा नहीं करता और एक फर्नीचर खरीदता, हम यही क्वेश्चन को आपसे पूछते हैं कि अगर ये फर्नीचर नया खरीदता तब क्या डेबिट करते, अगर ये नया फर्नीचर खरीदता तो लाने का जो भाड़ा है वो किस खाते में डेबिट करते आप, फर्नीचर में। आपको याद कीजिए डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ाए थे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स बराबर संपत्ति का लागत बराबर होगा संपत्ति खरीदने का खर्च, लाने का खर्च और लगाने का खर्च, खरीदने लाने और लगाने का खर्च, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा,
फर्नीचर का कोर्स निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि नया चीज़ है, तो हम लोग जब नया नहीं है तो हम लोग मान रहे हैं कि पुराना चीज़ बेचोगे या पुराना खरीदोगे उसमें जो भाड़ा लगेगा उसके नाम पर जाएगा, कैरेज ऑन फर्नीचर के नाम। ऐसा कैसे आप सोच ले रहे हैं नया खरीदेंगे? नया खरीदेंगे तो लिखा नहीं रहेगा परचेज, हो सकता है एक जगह क्या लिखा है पढ़िए इसका हिंदी, क्या लिखा है पढ़िए सर, फर्नीचर ढुलाई के लिए भाड़ा दिया, हो सकता है आप घर से ला रहे होंगे या कहीं और से ला रहे होंगे, उसका भाड़ा खाली दिया है। खरीदने का जब तक मेंशन नहीं रहेगा आप अपना दिमाग ना लगाएं। तो दिक्कत किसी को? ढुलाई का मतलब समझते हैं, ढुलाई मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और ले आना, तो उसके लिए भाड़ा दिया। खरीदने का बोलेगा तभी, अब बताओ, बोलता है ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? तो याद रखना है कस्टमर बनाता है। किसका कस्टमर बनाता है? बैंक का कस्टमर। देखिए लिखा है कौन बनाता है, बैंक का कस्टमर बनता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक का कस्टमर बनाता है, क्यों बनाता है? तो पासबुक और कैशबुक की गलतियों को ढूंढने के लिए और उसे ठीक करने के लिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर अपने पासबुक और कैशबुक की गलतियों को ढूंढने के लिए और ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाता है उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोगों के साथ दिक्कत ये नहीं आता, इसलिए नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब बिजनेस करोगे ना, कभी कभी ऐसा आएगा कि तुम्हारे हिसाब से तुम ये एक आदमी बिजनेस में जब पैसा बैंक में आता जाता रहता है तो अभी अपने पास लिख के रखता होगा कि बैंक के पर भरोसा रखता है, वो लिखते रखता है, तो वो लिख के रखा और महीने के लास्ट में देखा कि मेरा बैलेंस 4,33,000 दिख रहा है, 4,33,000 मेरा बैलेंस बैंक में दिख रहा है, और बैंक के पास पासबुक अपडेट कराया देखा वहाँ 4,70,000 है, तो खुश होने की ज़रूरत है कि जितना मेरे पास उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है? खुश होने की ज़रूरत है या मिलाने की ज़रूरत है? मिला, बैंक जाएगा, बैंक से प्रिंट निकलवाएगा, निकालिए खाता का प्रिंट जी, मेरे खाते में कौन कौन पैसा है, और घर में बैठ के मिलाएगा कि आखिर गलती हुई कहाँ। या तो कोई आदमी पैसा डाल दिया और हमको जानकारी नहीं दिया, हाँ या नहीं, जिसके कारण मिसमैच हो रहा है, तो उस गलती को ढूंढता है कि गलती हुआ क्या, किसका पैसा नहीं चढ़ा है, आखिर नहीं चढ़ा तब ना हुआ जी, बैंक में ज़्यादा पैसा दिख रहा है मेरे पास कम पैसा दिख रहा है, कोई किसी ना किसी का छूट गया हुआ चढ़ाना। अभी आप लोगों में क्या होता है कि यहाँ बोल दिया कि सर पैसा भिजवा देंगे, अब उसके पापा भेज दिया और स्क्रीनशॉट भेजे नहीं, तो हमको कैसे मालूम, तो मेरा हिसाब और वहाँ हिसाब गड़बड़ा जाता है, तो वेट करना पड़ता है 1,000 किसका आया पता नहीं, किसका आया पता नहीं। अब कोई बच्चा आके बोलेगा सर मेरे पापा भेजे, शायद अगर हो सकता है उसके पापा नहीं भेजोगे तो हम उसी में चढ़ाएंगे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो याद रखना है कि बिजनेसमैन का बैंक का पासबुक और कैशबुक को मिलाने के लिए और उसकी गलती को ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है जिसका नाम क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कोई दिक्कत किसी को? कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। क्यों बनाता है? बैंक के पासबुक और कैशबुक की गलतियों को। अब चलते हैं बाबू लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड है, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो ये ना सही होगा, ये दोनों मेथड है, ये भी सही है, तो हम लोगों को दोनों एक साथ जोड़ के दे दिया, तो यही वाला मेथड। ऑल ऑफ दीज है? नहीं, अगर ऑल ऑफ दीज होता तो ऑल ऑफ दीज मार देते, लेकिन नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज है, तो टोटल एंड बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस कितने मेथड से बन सकता है? यहाँ दो ही देखेंगे, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। कोई दिक्कत किसी को? टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर है या स्टेटमेंट है? ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर है या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का स्टेटमेंट है, तलपट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है या नहीं है? नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहला फ़ायदा बताओ, फर्स्ट एडवांटेजेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से सिर्फ एक ही चीज़ पता चलता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता की जानकारी होती है कि अगर रुपया पैसा में कहीं गलती हुआ होगा जर्नल और लेजर में तो ट्रायल में पकड़ा जाएगा। अगर जर्नल और लेजर में रुपये पैसे की गलती हुई होगी तो ट्रायल में पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर रुपये पैसे की गलती नहीं हुई हो तो ट्रायल में नहीं पकड़ाएगा। बाकी अगर नियम की गलती आप कर चुके हैं तो ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं चलेगा, इसलिए ट्रायल बैलेंस नियम की गलती को पता नहीं कर पाता है। चलते हैं आगे, अभी देखो यहाँ दिमाग लगाना है, देखते हैं कितने बच्चों को, यहाँ तक कलर किया हुआ है बता देगा, लेकिन पूछेंगे क्यों। बोलता है कि गुड्स सोल्ड टू राजू, राजू को माल बेचें 650 रुपये का, ये क्या है जानते हो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। क्वेश्चन किसका है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, शुद्धियों का सुधार। तो बोल रहा है कि 650 रुपये को राजू को माल बेचें और उसके खाते में 500 लिखें, अब क्या करेंगे? पहले बताइए, माल बेचेंगे राजू को तो एंट्री क्या बनेगा?
राजू अकाउंट डेबिट, अटू सेल्स, यही ना करेंगे। कितने का लिखना था? 650, लिखे कितना? 500, तो क्या गलती हुआ है? 150 कम लिखे, तो 150 और सेम एंट्री मार देंगे, 150 से हो जाएगा कि नहीं? अरे 650 से एंट्री करना था, कर दिए 500 से, तो 150 से सेम एंट्री करना है। तो पूछ रहा है राजू का खाता अब क्या करोगे या कितने से डेबिट होगा, ये पूछ रहा है राजू का खाता कितने से डेबिट होगा। तो सब तो कंफर्म कर दिया, राजू का खाता डेबिट होगा कितने से? 150। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब चलिए बोल रहा है, सेल्स टू राम, राम को बेचे कितने रुपए का? 500। पोस्टेड टू हीज अकाउंट, इसके खाते में 50 रुपये डाले। बताइए राम को बेचेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? राम को बेचेंगे तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा ना, राम टू सेल्स। और राम टू सेल्स में लिखना चाहिए था 500 रुपये, गलती से लिख दिए 50। अच्छा इसमें ठीक लिखे हैं, सेल्स में ठीक लिखे हैं, उसके खाते में खाली गड़बड़ है। देखो उसके खाते मतलब राम के खाते में, तो राम को डेबिट करना था 500 से और हम डेबिट कितने से कर दिए? 50 रुपये से। 450 से और डेबिट कीजिएगा ना। तो पूछ रहा है जिससे प्रभावित होता है, कौन सा खाता इसमें से प्रभावित होता है बताइए? राम, क्योंकि इसके खाते में ठीक डालें उसके खाते में गलत है। देखिए उसके, उसके मतलब क्या होता है? राम के, उसके मतलब राम के ना, राम के खाते में गड़बड़ी हुई तो राम का खाता ना प्रभावित होगा इससे, बाकी खाते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूछ रहा है प्रभावित कौन होगा, अगर बोल देता कि इसका सही एंट्री क्या होगा तो राम को फिर डेबिट कर देते 450 से। राम खाता क्या होता? 450 से क्या हो जाता? डेबिट हो जाता। कोई दिक्कत है? राम को के खाते को 450 से क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था इसको सुधारने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? चलते अब हम लोग इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन याद है ना सबको? स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन ये चार जोन, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन जब भी लगता है तो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, संपत्ति का लागत। कोई दिक्कत किसी को? आप बता सकते हो स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन का ग्राफ कैसा बनता है? डेप्रिसिएशन एक जैसा रहता है या चेंज होता रहता है? तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐसे बनता है, डी पी, डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा? समान होगा हर साल। इस विधि में डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगा? समान। कोई दिक्कत किसी को? और पूछ देगा ये तो SLM था, SLM अगर हम पूछते हैं कि DBM में क्या लगेगा, DBM में किस पर लगेगा बताओ तो, DBM में किस पर लगेगा? अगर यही क्वेश्चन हम सेम दे दें और DBM दे दें तो किस पर लगेगा? DBM में हमेशा लगेगा ओपनिंग वैल्यू पर, याद रखिएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग पर ना लगता है जी, जो CD करके BD करते हो तुम उस पर ना चार्ज करते हो, तो DBM में किस पर लगेगा? ओपनिंग बैलेंस पर। और SLM में किस पर लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन? अब चलते हैं आगे, देखो डेप्रिसिएशन निकालना है आपको। यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, बोल क्या रहा है ठीक से पढ़ो। ओरिजिनल कॉस्ट किसी संपत्ति का 250,000 है और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 15,000 है। डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में पूछ रहा है कितने साल के बाद? सेकेंड ईयर के बाद। दूसरा साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा ये पूछ रहा है, बताओ। अगर किसी संपत्ति का कीमत है कितना, कॉस्ट कितना है जी किसी संपत्ति का? 250,000 और उसका रेट दिया हुआ है, रेट उसका है 10%, कौन सा मेथड से? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, यानी DBM है, DBM, DBM से 10% डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा जब डेप्रिसिएशन का रेट दिया तो उसका स्क्रैप वैल्यू का कोई मतलब है? हमको रेट वाला मेथड लगा देंगे तो स्क्रैप वैल्यू का यहाँ कोई मतलब नहीं। पूछ रहा है दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो चलिए यहाँ देखिए कैसे निकालते थे। 250,000 है ना, 250,000 डेप्रिसिएशन पहले साल निकालते थे 10%, तो बताओ इसी का ना 10%, तो 250,000 का 10% कैसे निकालेंगे? 250,000 गुने 10/100, तो 250,000 का 10/100 निकालें कितना आएगा? 250,000 का 10% का मतलब गुना 10%, कितना आता है 10%? 25,000। तो अगर मशीन को हम एक साल यूज़ करेंगे तो मेरा मशीन बच जाएगा 225,000 का, ही ना बचेगा 225,000 एक साल के बाद। दूसरा साल का कितना बनेगा, तो बोलता है दूसरा साल चूंकि DBM लगा रहे, DBM क्या बोलता है? जो बचा हुआ वैल्यू उस पर लगेगा। देखो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, अब इस पर ना लगेगा, तो बताओ अब इसका 10% लगेगा दूसरे साल में, पहला साल तो लग गया
पहला साल ध्यान देना, 2,25,000 का मशीन है, इसका 10% निकाले 25,000 माइनस किया, अब अगला साल इस पर 10% निकलेगा, कितना निकलेगा इसका 10% डेप्रिसिएशन, तो 2,25,000 इंटू 10/100 कितना आता है बबुल, 22,500। तो देखिए इसका सही पर जो है क्या होगा, 22,500 दिया भाई, 22,500 इसका सही आंसर होगा, 22,500 ही हम लोग सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या लगता है न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में देख लो, ये पिछले साल का एग्ज़ाम ही का क्वेश्चन 2019 का ही, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डालेगा, आपको तैयार होकर चलना है, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है, इसको 3-4 बार देखिए, जितना आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही फायदा होगा। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, 2,25,000। अब अगला बोल रहा है अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जब हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाते हैं यानी स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज टू, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसा होता है, तो ऐसा ना होता है जी, तो बताओ, देखो यहाँ लिखा है कॉन्स्टेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन घटता नहीं है, डेप्रिसिएशन बढ़ता नहीं, नो इफेक्ट नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, देखो हर साल क्या डेप्रिसिएशन है, एक जैसा स्थाई है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जब हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक जैसा रहता है। आगे बोलता है अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी काउज इज कॉल्ड, ये हम लोग पढ़े भी हैं, इसका परिभाषा ही डेप्रिसिएशन का यही है कि एक संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से होने वाली धीरे धीरे और अस्थायी कमी को ह्रास कहते हैं, ये परिभाषा है, एक संपत्ति के मूल्य में होने वाले धीरे धीरे और अस्थायी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रास। लगातार अगर आप किसी संपत्ति का वैल्यू लगातार कम हो रहा है तो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को, अब चलते हैं आगे, अब बताइए जनरेटिव पूछ रहा है आपसे, तो जनरेटिव देखते हैं कितने लोगों का कमांड है, बोलता है जनरेटिव फॉर परचेजिंग अ मशीन और थ्रू 50,000 इन कैश, अगर हम मशीन 50,000 का नगद में खरीदेंगे तो इसमें कौन जनरल सही है, नगद में अगर मशीन खरीदेंगे तो कौन सा सही है, यहाँ तो आंसर किया बाद मार देते हो, ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये गुड्स खरीदेंगे ना, अगर गुड्स नगद में खरीदेंगे तभी एंट्री ठीक होगा, ये मशीन बेचेंगे तो ठीक होगा, मशीन अगर, ये तो सवाल ही नहीं, मशीन टू परचेज हो ही नहीं सकता है, कोई एंट्री नहीं मशीन टू परचेज होगा, और ये एंट्री सही है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब हम मशीन कैश में खरीदेंगे तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग बता सकते हो उधार खरीदते तो क्या लिखते हैं, हाँ तो यहाँ क्रेडिटर का नाम लिख देंगे, जिससे उधार खरीद रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, अगर उधार खरीदेंगे तो नाम लिखेंगे, नगद खरीदेंगे तो यही एंट्री होगा। कोई दिक्कत किसी को, कॉन्सेप्ट बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो हम अगर मशीन नगद में खरीदेंगे तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और उधार में खरीदेंगे तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिससे उधार खरीदें उसका नाम लिखेंगे ना, जिससे उधार खरीदा गया है। 25 नंबर, डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीनरी ड्यू टू न्यू मशीनरी न्यू इन्वेंशन इज कॉल्ड, अगर कोई नया तकनीक आया, नया आविष्कार आया, और कोई नए आविष्कार के कारण पुराने मशीन का बेकार हो जाना क्या कहलाता है, कोई नया आविष्कार हुआ है, नया टेक्नोलॉजी आया, और नई टेक्नोलॉजी के कारण मेरा पुराना टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गया, जैसे अभी 2G वाला फ़ोन, 4G और 5G आ जाने के बाद 2G वाला फ़ोन क्या हो गया, वेस्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसमें से चारों में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रचलन, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, अप्रचलन ही बोलते हैं, अभी प्रचलन में है जी, अभी कोई 2G वाला फ़ोन लेगा, 3G वाला फ़ोन लेगा, बोलता है आउटडेटेड है, क्या बोल देता है, आउटडेटेड है भैया, आउटडेटेड मतलब, आउटडेटेड मतलब पुराना नहीं, पुराना मतलब ओल्ड होता है उसका हिंदी, आउटडेटेड का मतलब क्या हुआ, हाँ ऐसा चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं है, अब उसको यूज़ नहीं कर रहे लोग, तो जो अनयूजुअल है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, या उसी को बोलते हैं अप्रचलन। तो अगर कोई मशीनरी जो अब पुरानी हो गई है, उस जगह पे नई तकनीक आ गई है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अप्रचलन। अप्रचलन क्या है, डेप्रिसिएशन का एक कारण है, डेप्रिसिएशन लगने का एक कारण है अप्रचलन, एब्सोल्यूट एक रीज़न है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसके कारण भी लग जाता है, अगर बताओ जी कोई संपत्ति प्रचलन में ना हो, उसका इस्तेमाल अब नहीं लोग कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू बढ़ता है या घटता है, तो हम लोग क्या बताएं कि जिसका वैल्यू घटेगा उसी पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन लगने का एक कारण होता है अप्रचलन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या क्या हाल है, देखिए सब कुछ ये क्या किया जानते हो, इस क्वेश्चन में हर चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठा के डाल दिया,
रेक्टिफिकेशन से निकले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज फंसा दिया। चलते देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बोलता है एक एक 2011 को एक्स बिल लिखता है, कितने दिन के, 20,000 का बिल, कितने महीने के लिए, आपको मैच्योरिटी डेट पूछ रहा है तो 20,000 से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक 2011 को लिखता है 3 महीने का बिल, तो हम आपको बताए थे कि बिल में एक एक महीना गिनेंगे, तो ठीक से सुना, जनवरी में लिखा है 3 महीने के लिए, तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 3 महीना हुआ, और 3 दिन हम लोग और छोड़ देते हैं, 1 अप्रैल तो मेरा पहुंच रहा था, 3 दिन और छोड़ दिया, तो 4 अप्रैल 3 दिन क्यों छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के दिन, 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, याद रखिएगा, अनुग्रह के दिन, डेज ऑफ ग्रेस, याद रहेगा, 3 दिन हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। कैसे कैसे निकला समझ में आया, फिर से बता रहे, 1 जनवरी को कोई बिल लिखा और 3 महीने का है, तो 3 महीना कब डेट होगा, मान लो सोच लो कि 1 जनवरी को कोई तुमको चेक दिया और बोला कि 3 महीने बाद पैसा ले लीजिएगा, जाइए, तो किस दिन जाओगे पैसा लेने, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना हुआ, 1 फरवरी से 1 मार्च 2 महीना, और 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 महीना, 3 महीना 1 अप्रैल को पहुँच गया था, लेकिन हम लोगों का नियम है कि 3 दिन हमेशा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ना है, तो 1 अप्रैल को पहुंचा था, 3 दिन और छोड़ दीजिए, कितना अप्रैल, 4, पहुंच जाएंगे उसके घर, 4 अप्रैल को पैसा दो भैया, क्योंकि तुम्हारा ड्यू डेट 4 अप्रैल को होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे, अचानक अगर हॉलीडे हो जाता तब कितना छोड़ोगे, जैसे अभी 3 दिन छोड़ रहे थे ना, और 4 अप्रैल को हो रहा था, और 4 अप्रैल को अचानक हॉलीडे हो जाता, अचानक छुट्टी हो जाता है किसी कारण से, तो याद रखना, अगर अचानक हॉलीडे हो जाता है तब क्या करोगे, अगले दिन ना लोगे, अचानक हॉलीडे है तो अगले दिन ना लोगे, तो वहाँ पे अगले दिन लेंगे। अब आज मान लो जी, आज मेरा डेट ड्यू डेट था, आज हमको पैसा लेना था, आज कोई छुट्टी नहीं है, कोई सरकारी छुट्टी नहीं, पहले से हमको कोई जानकारी नहीं, अचानक अगर किसी बड़े व्यक्ति का डेथ हो जाता है और सरकार बोलती है आज हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे, सारा काम बंद, शोक मनाओ, दुख मनाओ, तो अगर सरकार हॉलीडे कर देती है तो बैंक बंद, अब बैंक बंद तो पैसा कैसे मिलेगा, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, अब आज ख़त्म हो गया तो अगला दिन लेंगे ना, तो अचानक अगर बंद हो जाता है तो अगला दिन, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि इस दिन छुट्टी है तब क्या करोगे, हाँ एक दिन पहले ले लेंगे, जैसे तुम्हारा मान लो डेट और 3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद 2 अक्टूबर आ जाता है, कैलकुलेट करते 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 ना 3 दिन जब छोड़ा तो 2 अक्टूबर को ड्यू डेट आ गया, 2 अक्टूबर को लेना है, तो तुमको नहीं मालूम है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बैंक बंद रहेगा, तो जब बैंक बंद रहेगा तो पैसा मिलेगा, तो आप एक दिन पहले ले लो, पहले पता है ना, तो 1 अक्टूबर को ही ले सकते हो, यानी जिसके बारे में पहले से पता हो कि इस दिन छुट्टी होगा तो एक दिन पहले ले लेना, और अचानक अगर कोई छुट्टी आ जाए तो एक दिन बाद, और अगर नॉर्मल रहे तो सेम डे लो, बैंक अगर उस दिन खुला है तो सेम डे आप पेमेंट ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है। अच्छा, नोटिंग चार्जेस कौन भरता है, यहाँ लिखा है नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा भाई, नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक बाई, कौन पे करता है नोटिंग चार्जेस, पेड कौन कर रहा है ये पूछ रहा है, पेड कौन कर रहा है, बोझ तो बेचारे इस पर पड़ेगा, कहाँ गया। अच्छा हाँ, तीनों पे कर सकता है, ड्रॉवर भी दे सकता है, इंडोर्सी भी दे सकता है, और बैंक भी दे सकता है, तो तीनों ये ठीक होगा, कैसे दे सकता है तीनों, क्योंकि जिसके हाथ में बिल होगा नोटिंग चार्जेस उसको देना पड़ेगा, तो अगर ड्रॉवर अपने पैसा लेगा तो ड्रॉवर पे करेगा, अगर बिल को इंडोर्स कर दिया होगा तो इंडोर्सी गया होगा पैसा लेने, वो फंस गया, अगर ड्रॉवर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक के पास बिल होगा, बैंक फंस गया, तो जिसके हाथ में बिल है वो फंसेगा, तो तीनों के हाथ में बिल हो सकता है, ये इसके हाथ में कब बिल होगा, जब बिल को ये ड्यू डेट तक अपने पास रखेगा, तो इसके हाथ में बिल रहेगा, इसके हाथ में बिल तब होगा जब बिल को इंडोर्स कर दिया जाएगा, तो बेचारे इंडोर्सी के पास है, हो गए पैसा लेने कोर्ट में फंस गया, तो उसको चार्ज पे करना पड़ा, और तीसरा के बैंक, अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे तो बिल बैंक के पास रहेगा तो बैंक फंस जाएगा। अच्छा, पूछा जाएगा किससे वसूला जाएगा, ड्रॉवी से, तीनों वसूलेगा ड्रॉवी से, क्योंकि ड्रॉवी के गलती के कारण ये लोग पे कर रहे हैं, भले चुकाना हमको पड़ रहा है। अब बताओ जी, आपके पापा कोई चेक दिए और खाता में पैसा नहीं है, और चेक हो गया बाउंस, और 300 रुपये मेरा कट गया, तो चुकाना तो हम ही कौन पड़ा, क्योंकि चेक लेके हम गए थे, लेकिन वसूलेंगे किससे, आपके पापा से ना, कि भैया आप ऐसा चेक क्यों नहीं दिए, क्यों दिए जिस खाते में पैसा नहीं था, जानबूझ के बाउंस करा के हमको तंग कर रहे हैं, मेरे खाते से पैसा कट गया, वसूला जाना चाहिए कि नहीं। तो बोलता है कि कौन पे करेगा, तो ये पे करेगा, लेकिन वसूलेगा किससे, ड्रॉवी से, कहीं कोई दिक्कत है। अब देखो, एक सेट हम लोग कंप्लीट करने में 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरे लेक्चर का इंतज़ार करना, कमिंग सून है,
जल्द ही आएगा तीसरा लेक्चर, तब ये पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन अगर इसको सही से देखा जाए, अच्छे से देखा जाए इस वीडियो को, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे।